भले ही हम 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का बखान करते न थकते हों, मगर समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जोशी समाज आज भी सदियों पुरानी परंपरा की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। इस समाज के छोटे छोटे बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र में भिक्षा मांगने के लिए प्रतिदिन भोर से लेकर शाम तक नगर खैराबाद की गलियों दुकानों पर घूमते रहते हैं। शनिवार के दिन इनके हाथ में लोटा कमंडल के साथ शनिदेव की छोटी सी मूर्ति रहती है, तो अन्य दिनों में दूसरे देवताओं की तस्वीर के साथ इनकी फेरी लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। बताते हैं जोशी समाज के बच्चे और युवक भिक्षावृत्ति को पैतृक व्यवसाय मानकर सीतापुर ही नहीं आसपास के जनपद लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, बहराइच तक आते जाते रहते हैं। क्योंकि इनकी थाली लोटे में देव प्रतिमा होती है, इसलिए लोग श्रद्धा के नाम पर पैसे दे देते हैं। बताया जाता है कि इस तरह हर रोज इनकी कमाई 500 से लेकर 800 रुपए तक की हो जाती है। हालांकि इस समाज के कई परिवार सरकारी विभागों में अच्छे पदों पर रहकर अपना योगदान दे रहे हैं। शिक्षक स्वर्गीय राम खिलावन जोशी का बेटा योगेश जोशी नेपाल में नेत्र चिकित्सक है। इसके अलावा शिक्षक सत्यनारायण जोशी, अनिल जोशी, कुलदीप जोशी, छैल बिहारी जोशी, सर्वेश जोशी, राजेश जोशी, रंजन जोशी, गुड्डू जोशी, टम्बेश्वर जोशी आदि के नाम शामिल हैं। दिलीप जोशी, बाबूराम जोशी आदि सभासद पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बावजूद इसके खैराबाद की करीब 1500 आबादी वाले इस समुदाय के दर्जनों परिवार परंपरा की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। नगर के समाज सेवी पंडित सुशील कुमार तिवारी व अजितेश कुमार शुक्ला ने आई इंडिया से कहा कि सरकार को भिक्षावृत्ति पर रोक लगाकर बच्चों को शिक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। जोशी समाज के जो नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे हैं, जो थालियों में मूर्ति रख के सुबह सुबह भीख मांगने के लिए निकल पड़ते हैं, बल्कि जोशी समाज में कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो शिक्षित हैं, मास्टर हैं, डॉक्टर, यहाँ तक अपने वहाँ ही नहीं, यहाँ के लोग नेपाल में भी डॉक्टर हैं। ऐसे में सरकार को और ऐसे शिक्षित वर्गों को भी ध्यान देना चाहिए कि इन नौनिहाल बच्चों को जिनकी पढ़ाई की उम्र है उनको शिक्षा प्राप्त हो, न कि उनको इस छोटी सी उम्र में भीख मांगने के लिए आगे आना पड़े। ऐसे लोगों को और सरकार को आगे आना चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए। कुछ समाजसेवी संस्थाएं हैं जिनको भी आगे आके इन बच्चों को जो है रोकना चाहिए और इनको पढ़ाई के लिए अग्रसर करना चाहिए। जोशी समाज के जो बच्चे हैं छोटे छोटे मूर्ति थालियों में लेके निकलते हैं, उनके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।